The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hi everyone, namaskar. So, aaj ka hamara topic hoga bawasir pe. Bawasir kya hai, piles kya hai, hemorrhoids kya hai. Sabse pehle hum aapko batayenge ki ye hote kya hai. फिर हम आपसे बात करेंगे कि ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, किसको होते हैं, और अगर आपको हैं तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं है तो आप इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. ये सारी बातें जानेंगे आज इस वीडियो, इस हमारी क्लास में. नमस्कार सभी को और बहुत बहुत वेलकम हमारी क्लास में एक बार फिर हमारा सेशन. चलिए शुरुआत करते हैं. राइट, सो पाइल्स, बवासीर, हीमोरॉइड्स, ये क्या है? क्या ये कोई इन्फेक्शन है? क्या ये कोई कैंसर है? क्या ये कोई ट्यूमर है? क्या है ये? जी नहीं, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है. जी नहीं, ये कोई ट्यूमर नहीं है. जी नहीं, ये कोई ऐसी वैसी बाहरी बीमारी नहीं है. ये आप ही के शरीर का एक हिस्सा है. क्या ये नॉर्मल हिस्सा है? जी नहीं, ये एक एबनॉर्मल हिस्सा है जो नहीं होना चाहिए आपके शरीर में, लेकिन आ गया. तो क्या है ये जो नहीं होना चाहिए लेकिन आ गया? आपके शरीर में दो तरीके की खून की नसें हैं. एक तो जो लेके जाती हैं दिल से आपके टिश्यूज को खून, रक्तवाहिका, जिसको आर्टरी कहते हैं, और एक जो वापस लेके आती हैं जिन्हें वेन्स कहते हैं. जितनी आर्टरीज हैं उससे कहीं ज्यादा वेन्स हैं, क्योंकि वेन्स और वेन्स जो होती हैं वो पेरिफेरी यानी बाहर की तरफ होती हैं, जो यहाँ पे आपको कभी दिखेगी, कभी किसी के माथे पे दिखेंगी, कभी किसी के पैरों में, काफ्स में. जो बाहर की तरफ खून की नसें दिखती हैं वो वेन्स हैं, और जो अंदर की तरफ होती हैं, अंदर जो पल्स महसूस होती है वो आर्टरी है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यही वेन्स आपके लैट्रिन के रास्ते के अंदर भी होती है. लैट्रिन के रास्ते के अंदर अंदर जो सारी वेन्स, सब जगह पूरे शरीर में वेन्स फैली हैं, जो लैट्रिन के रास्ते के अंदर वेन्स होती हैं, वहां की वेन्स जब सूज जाती हैं, जब सूज जाती मतलब फैल जाती हैं गुब्बारे के जैसे, जैसे गुब्बारा फैल जाता है, एक इलास्टिक खींच खींच के लटक जाता है, वैसे ही ये वेन्स जब फैल जाती हैं तो उसे हम पाइल्स कहते हैं, उसे हम बवासीर, उसे हम हीमोरॉय. ये ऐसा क्यों होगा, क्यों कोई वेन ऐसी फैल जाएगी? इसी तरह से वेन दूसरे एक बीमारी में भी फैलती है जिसका नाम है वेरिकोस वेन्स. आपने सुना होगा पैर में वेरिकोस वेन्स हो जाता है. सो दोस्तों मजा आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और दबाते रहिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है? सो उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है. सो ये वेन्स हैं, ये डायलेटेड वेन्स हैं, वेरिकोसिटीज हैं. वेरिकोसिटीज मतलब डायलेट हो गया, एक सीधे शेप की जगह चौई हो गया और बहुत ज्यादा इसमें इतना वॉल्यूम हो गया कि ये वॉल्यूम के साथ ये बहुत ज्यादा खून उसके अंदर जमा होने लग गया. तो ये वेरिकोस वेन जब पैरों के ऊपर होती है, पैरों के ऊपर होती हैं ऊपर, तो उनको हम कहते हैं वेरिकोस वेन्स. और जब वो वेरिकोसिटीज, यही वेन डायलेट जब लैट्रिन के रास्ते के अंदरूनी हिस्से, मान लो ये लैट्रिन का रास्ता है तो उसके अंदर के हिस्से में यहां पे होती हैं, तो उनको पाइल्स कहा जाता है. पाइल्स, हीमोरॉइड्स, बवासीर, ये है ना, ये कोई इन्फेक्शन है ना, ये कोई कैंसर है ना, ये कोई गांठ है, या आप ही की वेन्स है जो थोड़ी फूल गई है और इतनी फूल फूल के फिर वहां से लटक सी गई हैं, लटक लटक के ये लैट्रिन के रास्ते से बाहर भी आ सकती हैं, राइट? उस समय फिर इसको प्रोलैप्स, किसी भी रास्ते से बाहर आने को बोलते हैं प्रोलैप्स. तो एक 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 आ सकती है, दो आ सकती है, तो आपको गांठ जैसी कुछ बाहर आते हुए महसूस हो सकता है. बाहर कब आएगी, जब लैट्रिन करोगे, जब लैट्रिन बाहर जाएगी तो ये भी बाहर पुश हो जाएगी. अब क्यों आती है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके कई कारण है. सबसे पहले, सबसे कॉमन कारण है इसका कब्ज, कॉन्स्टिपेशन. जी हाँ, जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, जो लोग लैट्रिन के टाइम पे स्ट्रेनिंग बहुत करते हैं, स्ट्रेनिंग बहुत ताकत लगाते हैं, उनको ये बहुत कॉमनली हो जाता है. और स्ट्रेन लगाने से, ताकत लगाने से आपकी जो लैट्रिन है, मान लीजिए अगर ये लैट्रिन का रास्ता इतना बड़ा कर दे तो ये आधे हिस्से को लैट्रिन जो है वो ऐसे रगड़ के जाती है, ऐसे रगड़ के, जब सकत होती है ना तो ऐसे पूरा रगड़ के जाती है, तो रगड़ रगड़ के उसको नीचे पुश करते हो. यहाँ जो वेन्स हैं, ये वेन्स रगड़ रगड़ के
रगड़ रगड़ के ऐसे ढीली ढीली होके ऐसे चमड़ी के समेत, वहां की जो चमड़ी म्यूकोसा होता है उसके समेत ऐसे लटक जाती हैं। तो ये हो रहा है आपके साथ पाइल्स जब होता है, ये कारण है हिमोरॉइड्स का, कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। कब्ज ठीक कर लो, पाइल्स नहीं होगी। कब्ज हो रही है तो वो ठीक रखो, पाइल्स नहीं होगा, नहीं तो पाइल्स हो जाता है कईयों को। कईयों को इसी वजह से, एक का कब्ज के वजह से फिशर हो जाता है, सखत सखत लेटरिन बाहर जाती है और क्रैक करके चल जाती है, जो बाहर का रास्ता है उसमें चीरे आ जाते हैं, उसको फिशर कहते हैं। तो पाइल्स भी होते हैं, फिशर भी होते हैं। तो ये कब्ज एक कारण हुआ। दूसरा कारण इसका है लिवर डिजीज, लिवर की बीमारी। क्या होता है लिवर की बीमारी? देखिए, जो लोगों को लिवर सिरोसिस होता है, जो लोगों को लिवर में फाइब्रोसिस होता है, फैटी लिवर के स्टेज के आगे, अल्कोहल बहुत ही ज्यादा, दारू इतना पीते कि पूछो मत, उस चक्कर में लिवर खराब हो रहा है। लिवर क्या हो रहा है खराब? स्कार टिश्यू बन रहा है। स्कार टिश्यू क्या होता है? फाइब्रस टिश्यू होता है। जैसे आपको चीरा लगा तो इतना मोटा सा स्कार बन जाता है, जख्म सा स्कार गाढ़ा होता है, दूसरी चमड़ी नर्म होती है, स्कार मोटा होता है, हिलता भी नहीं है। तो वो स्कार टिश्यू लिवर के अंदर बनता है, पूरी बॉडी में कहीं भी डैमेज हो स्कार टिश्यू बनता है। ज्यादा दारू पीने से, ज्यादा फैट खाने से लिवर में इन्फेक्शन ज्यादा देर, विटामिन हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, डी नहीं, ए बी सी, ये तीनों से, बी सी ज्यादा, ए से कम, तो हेपेटाइटिस से लिवर के अंदर एब्सेस हो जाने से लिवर डैमेज हो सकता है, लिवर के अंदर फाइब्रोसिस हो सकता है। और लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जहां पर जो भी खाते हो आप, जो भी पीते हो आप, पहले वो खाना पीना आपके लिवर में जाता है, पहले लिवर में जाता है। कैसे जाता है? अगर लिवर में जाता है तो कोई तो खून की नस होगी जो लिवर में लेके जाएगी, वो खून की नस है आपकी वेन्स। वेन्स का पूरा एक सिस्टम है, इसे हम पोर्टल वेन्स कहते हैं। पोर्टल वेन वो वेन है जो लिवर तक जाती है। कहां से कहां तक खून लेके जाती है? आपके मुंह से, खाने की नली से, पेट से, छोटी आंत, बड़ी आंत, लैट्रिन के रास्ते तक, एनस तक, ये सब से जो खून निकलता है, जो खाना एब्जॉर्ब होता है, जो न्यूट्रिएंट, जो टॉक्सिन, जो भी आप खाते हो एब्जॉर्ब होता है, ये सब पहले जुड़ के, नसें छोटी छोटी जुड़ के एक बड़ी वेन बनाती है जो पोर्टल वेन बोला जाता है, इसे पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो ये पोर्टल वेन जब लिवर के अंदर खून पहुंचना, लिवर में फाइब्रोसिस, लिवर स्टिफ, लिवर ज्यादा खून एक साथ नहीं ले पा रहा, जितना ले सकता उतना नहीं, तो इसमें प्रेशर, इसमें भी कई बार फाइब्रोसिस, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन, तो पोर्टल वेन का अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ गया। पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? बैक प्रेशर आएगा। कहां? इन सारी नसों में, आपके खाने की नली से लेके लैटरिन के रास्ते तक सारी की सारी वेन्स डायलेट होती जाएंगी। पेट के ऊपर की वेन्स डायलेट होंगी, लैटरिन के रास्ते में बवासीर होंगे, खाने के रास्ते में इसोफेजियल वराइसिस, खून की ब्लीडिंग लैटरिन से भी हो सकती है, नीचे से, ऊपर से भी हो सकती है। ब्लीडिंग क्यों होगी? जब भी ये वेन्स इतने ज्यादा डायलेट हो जाते हैं तो डायलेट होके जैसे गुब्बारा फूल फूल के पतला 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 होता है, फट से फूट जाता है, वैसे ही वेन डायलेट 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 होके वो पतली हो जाती है। तो फिर जब सकत 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 लैटरिन वहां से जाती है ऐसे खच से, तो वो सकत सकत लैटरिन उसको रगड़ के जाती है, रगड़ रगड़ के सूजन करती है और फिर उसमें से खून रिसने लगता है, खून रिसने लगता है। कई बार फक से बड़ी तरह से ब्लीडिंग भी हो सकती है, इसलिए किसी को खून की उल्टी आ सकती है लिवर डिजीज वाले में, बवासीर में नहीं, बवासीर में खून आएगा नीचे लैटरिन में, ठीक। फिशर क्या होता है? हमने देख लिया बवासीर, हमने देख लिया फिशर। हम फिशर क्या होता है? ये लैटरिन के रास्ते में जैसे आपकी एड़ियां फट जाती है ना, पैर फट जाते, क्रैक आ जाता है, वैसे ही लैटरिन के रास्ता मान लीजिए उसके आसपास ऐसे एड़ियां फटे हुए यहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं, ऐसे क्रैक क्रैक क्रैक, वो फिशर है। अब क्रैक क्या होता है? जब भी लैटरिन होती है तो वो लैटरिन का रास्ता खुलता है, वो पूरा उसको बाहर भेजना, तो जब भी लैटरिन का रास्ता खुलता है वो क्रैक स्ट्रेच होता है, जब क्रैक स्ट्रेच होता है और फटता है, खून निकल सकता है, क्रैक में दर्द हो सकता है, फिशर बहुत पेनफुल होते हैं। लेकिन पाइल्स में पेन नहीं होता, बवासीर में कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि बवासीर क्या है? ये तो सूजी हुई नसें हैं, सूजी हुई खून की नसों में काय का पेन, क्यों पेन? हाँ, जब तक वहां इन्फेक्शन ना हो जाए, जब तक वहां अंदर कोई खून का क्लॉट ना आ जाए, तब तक पेन नहीं होता। तो बवासीर में अगर खून का क्लॉट आ जाए तो ऐसा पेन होता है भैया आप घर नहीं बैठ पाओगे। बवासीर के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में भी दो हैं, एक होता है लो लाइंग जो नीचे नीचे बिल्कुल बाहरी रास्ते के पास है, एक होता है हाई, हाई मतलब अंदर के अंदर लैटरिन के रास्ते में काफी अंदर जाके सूजी है। तो ये प्रकार होते हैं,
उन प्रकार से उनके इलाज होते हैं, एक्सटर्नल पाइल इंटरनल पाइल्स है, लेकिन खून की नसें सूजी हुई। तो ये दो मेन कारण है इनके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लिवर को खराब नहीं रखना, लिवर को हेल्दी रखो, दारू ज्यादा नहीं पीना, विटामिन आपके क्या नाम है फैट ज्यादा नहीं खाना, मोटे नहीं रहना, ना लिवर में फैट जमा होता है, नैश हो सकता है, लिवर की बीमारियों में हमने देखा। और साथ ही आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज ठीक रखनी पड़ेगी। अगर आप कब्ज के शिकार हैं, अगर आपको कब्ज होता है, तो आपको कब्ज ठीक रखना इंपॉर्टेंट है, वरना आपको पाइल्स हो जाएंगे, खतरा होगा पाइल्स का, ठीक है। तो ये हुई बात, क्या है पाइल्स, क्यों होता, किसको होता और कैसे प्रिवेंट करना है। किसको होता में बुढ़ापे में ज्यादा हो जाएगा, प्रेग्नेंट लेडीज को ज्यादा चांसेस होते हैं, जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जिनकी बॉडी वीक होती है, उनकी बॉडी ज्यादा चांसेस होते हैं, राइट, बेसिक चीजें हैं। फिर पाइल्स में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, आपने पाइल्स में इंजेक्शन लगवाया कि ट्रीटमेंट पहले बताते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, यह सूजी हुई वेन्स का ट्रीटमेंट, बिल्कुल वेरिकोस वेन जैसे पैर में सूजती है, वैसे अंदर लैटरिन के रास्ते में जो आपकी सूजी हुई नसें, उनका भी ट्रीटमेंट, एक इंजेक्शन लगाने से ट्रीटमेंट होता है, एक बैंड लगाने से ट्रीटमेंट होता है, ऑपरेशन करने से ट्रीटमेंट होता है, क्लिप लगाने से ट्रीटमेंट होता है। नहीं, ये क्या है, ये क्या है, क्लिप क्लुप क्या चीज है। मान लो कि आपके इसमें वो वाला गुब्बारा देखा ना, से वो एक पाइप जैसा गुब्बारा होता है, ऐसे 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 लंबा, वो बच्चे को ऐसे ऐसे कुछ भी ऊंट बना के ये बना के दे देते हैं, है ना। मान लो कि वो गुब्बारे का एक हिस्सा और हिस्सा फूल गया और फटने लगा, आपको गुब्बारा बचाना है, गुब्बारा फूट गया तो फूट गया, तो गुब्बारा बचाने के लिए आप क्या करते हो, उतने एरिया में गांठ बांध देते हो ताकि वहां हवा ना जाए और बाकी एरिया सही रहेगा। हम भी वही करते हैं, बिल्कुल सिंपल चीज, कि पाइल्स में जो खून की नस खिंच के लटक गई है, उतनी खून की नस में गांठ बांध देते हैं यहां पे। तो गांठ क्या होती है, क्लिप लगा दो, क्लिप अंदर से जहां सूजी है वहां से खत्म करके क्लिप लगा दो, या वहां टाई कर दो, या बैंड रबर बैंड जैसी चीज डाल दो। तो क्या होता है, उससे वो जो पाइल्स की जो सूजी हुई नस है उसमें खून ही नहीं जाता, आपका सिस्टम सही रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक बार सूजी हुई पाइल्स, एक बार सूजी हुई नस फिर से नहीं सूजेगी, सूज सकती है, कैसे, क्योंकि भाई एक बार कॉन्स्टिपेशन था तो बार बार कॉन्स्टिपेशन, एक बार पोर्टल हाइपरटेंशन है तो प्रेशर तो है। तो जो भी उसका मूल कारण है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है जनाब, मूल कारण को कंट्रोल करना जरूरी है। साथ में बहुत ज्यादा सूजी हुई नस, बहुत पतली नस जो फटने के कगार में है, या खून आता है लैट्रिन में, तो भी फिर आपको बार बार खून आता है, तो फिर आपको बैंडिंग, क्लिपिंग या इंजेक्शन करना चाहिए। इंजेक्शन क्या है, स्क्लेरोसिंग एजेंट होता है, जो उस खून की नस में इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो खून की नस अपने आप सिकुड़ जाती है। यही चीज पैरों में भी करते हैं, वेरिकोस वेन में, यही चीज इसमें भी करते हैं। वेरिकोस वेन में क्या होता है, बाहर बाहर से पैरों में अल्ट्रासाउंड रेडिएशन यानी लेजर से भी ट्रीटमेंट करते हैं, लेजर 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 लगा देते हैं, लेजर से वो ठीक हो जाता है। कभी बार अंदर से भी लेजर करते हैं, लेजर के ट्रीटमेंट पाइल्स के बवासीर के बहुत रेयर होते हैं, नहीं के बराबर मान लीजिए। बाद में होता है ऑपरेशन, जिसका नहीं ठीक हो रहा, जिसको होते जा रहा, जिसका ब्लीडिंग हो रहा, जिसको ऐसी तैसी हो गई, भाई मैं तो खून की कमी में तो जिंदगी बर्बाद, उस इंसान के लिए फिर होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन करते हैं जनरल सर्जन, गैस्ट्रो सर्जन, यूरो सर्जन भी करेगा, सर्जन कोई भी कर लेगा, जनरल सर्जन वाला काम है, सर्जन करते हैं। तो सर्जन ऑपरेशन करते हैं बवासीर का, पाइल्स का, और ऑपरेशन के बाद में फिर पाइल्स हो सकता है अगर आपने मूल कारण को नहीं ठीक किया। मीनवाइल सिर्फ ऑपरेशन या सिर्फ इंजेक्शन, सिर्फ बैंडिंग इलाज नहीं है, इसके ग्रेड होते हैं, ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, ग्रेड फोर पाइल्स के। ग्रेड वन ग्रेड टू में पाइल्स होता है अंदर ही अंदर होता है, ग्रेड थ्री ग्रेड फोर में पाइल्स बाहर आ गया प्रोलैप्स हो गया। तो ग्रेड थ्री ग्रेड फोर है तब तो कुछ ना कुछ कराना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाओ, बैंड लगाओ, क्लिप लगाओ, ऑपरेशन कराओ, कुछ तो कराना पड़ेगा। अगर ग्रेड वन ग्रेड टू है, पाइल्स बाहर नहीं आ रहे हैं, तो ग्रेड वन ग्रेड टू पाइल्स में कब्ज ठीक करो, यानी कि लैट्रिन पतला करने वाली दवाएं, लैक्सेटिव्स, केले, पपीता ऐसे ज्यादा खाओ, पानी, फाइबर, ये सब गोल, सॉफ्टोवैक, ये सब खाना पड़ेगा ताकि लैट्रिन पतली रहे, रगड़ के ना जाए और पाइल्स ना बने, खून ना बहे, और खून बह रहा है तो खून बढ़ाने की दवा। नीचे कुनकुने पानी में दिन में 3-4 बार बैठना होता है, सिथ बात कहते हैं इसको, इससे वो एरिया सॉफ्ट होता है, वो एरिया स्मूथ होता है, आराम से लैट्रिन निकल जाएगी, दिक्कत नहीं होगी और हील होगा, सूजन कम होगी। पाइल्स के लिए क्रीम लगानी पड़ती है नीचे से,
एक तो एनेस्थेटिक क्रीम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं एनेस्थेटिक क्रीम, एनेस्थेटिक मतलब वहां सुन करके, कब लगाते हैं, लेटरिन करने से 10-15 मिनट पहले क्यों लगाते हैं। मान लीजिए आपको दर्द होता है पाइल्स में, आपको लेटरिन करते करते दर्द होने लग गया थोड़ा सा, तो आप लेटरिन नहीं करोगे, आप रोक के रख लोगे, रोक के रखोगे, अंदर ही अंदर वो सख्त होती जाएगी, सख्त होती जाएगी, सख्त होती जाएगी, सख्त होकर बड़ी होती जाएगी, और फिर जब आप एक बार करोगे तो वो फाड़ देगी, है कि नहीं। तो इसीलिए मोशन टाइम पे करना है, मोशन रोक के नहीं रखना है, और मोशन करने से पहले लिग्नोकेन लगाना है ताकि मोशन कर पाओ। और सिर्फ बात करनी है दिन में 4 बार ताकि सूजन कम हो जाए। तो लिग्नोकेन के साथ कई बार स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम होती है सूजन जल्दी कम करने के लिए, कई बार एंटीबायोटिक क्रीम होती है मेट्रोजिल वाली। तो बहुत सारी चीजें आई हैं जो आपके डॉक्टर आपका केस देख के आपको बताएंगे कि भैया आपको इस चीज की जरूरत है। सो सर्जन के पास जाओ, जनरल सर्जन, MS सर्जरी वाले डॉक्टर के पास, वो बताएंगे आपको कि इसके आपके केस में बेस्ट इलाज क्या है। ये हुई बात दोस्तों, सारी बात आपकी बवासीर की, पाइल्स की, कोई और चीज से इसको खत्म नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच।